संस्कृत को भारत में देववाणी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत के महत्व को इस देश ने और विश्व ने अच्छी तरह से पहचाना है। लेकिन संस्कृत के माध्यम से आखिर आप कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और यह आपको UPSC या अन्य किसी बड़े एग्जाम में किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, इस विषय की पड़ताल करने के लिए हम ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के लैंग्वेज डिपार्टमेंट में गए, जहां पर हमसे बात करते हुए वहां के प्रोफेसर्स ने बताया कि किस प्रकार से आप संस्कृत में डिग्री कर करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, संस्कृत से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद किस प्रकार से सरकारी नौकरी में सहयोगी होता है? संस्कृत हमारी देववाणी है, देव भाषा है और संस्कृत में एक वृक्ष के समान है, इसमें कई शाखाएं निकलती हैं। जैसे आपके चारों वेद है, वेदांग है, वेदांगों में हम जब हमें वेदांगों का पूरा ज्ञान होता, ज्योतिष के लिए ज्योतिषाध्याय बन जाते हैं, इसके लिए कई ज्योतिष के जॉब लग जाते हैं, सरकारी नौकरियां लग जाती है ज्योतिष में। फिर आप एक शिक्षक बन जाते हैं, जो व्याकरणाचार्य बनकर के आप शिक्षक बन जाते हैं। उसके अलावा नेट क्वालिफाई करते हैं, आप डिग्री लेने के बाद कहीं भी एक विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में शिक्षक के पद पर अपना दायित्व संभाल सकते हैं, ये सरकारी नौकरी हो जाएगी। फिर आपकी संविदा नियुक्तियों में भी ये शिक्षक के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कहीं भी IAS ऑफिसर वगैरह है, इनमें भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत को लेकर के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आज विदेशों में भी संस्कृत भाषा की बहुत महत्ता है। NASA ने भी ये सिद्ध कर दिया है, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। और जो संस्कृत भाषा में जो हमारे मूल है, जो हमारे उसमें रोग निदान की क्षमता है, उसमें योग की क्षमता है, वो हमारे अन्यत्र नहीं है देखने को मिलती है। और आज योग आप देख रहे हैं कि घर घर योग का जो महत्व है, कितने अच्छे तरीके से फैला हुआ है। कई योगी योगाचार्य बनकर के कई पदों पर कार्य कर रहे हैं।